के गांव जाना होता है, वो दया सैटरडे है, गांव नजदीक होता है, 3-4 घंटे के रास्ते पे, बोलता है चलो हम लोग चले जाते हैं अपने घर के यहाँ से गांव में चले जाते हैं। उसकी वाइफ बोलती है हम लोग सुबह निकलेंगे, बारिश का टाइम है, रात हो सकती है, हमारी गाड़ी भी ज्यादा कंडीशन में है नहीं, हम लोग जल्दी निकलेंगे। वो बोलता है ठीक है, सुबह का टाइम दोपहर हो जाता है, शाम में उन लोग निकलते लेट हो जाते हैं, बारिश के टाइम पे उन लोग निकलते हैं, निकलने के टाइम पे गांव जाते टाइम बीच में उनको घाटी लग जाती है, जब बीच में आने के टाइम पे बारिश हो रही है, अंधेरा हो गया, एंड एक हस्बैंड वाइफ जा रहे गाड़ी में और बारिश हो रही है धुआंधार, और घाटी में बीच में ही गाड़ी चलाने के टाइम पे वो आदमी को जो गाड़ी चला रहा होता है उसे बीच में ऐसे लगता है कि कोई क्रॉस करके गया, एक व्हाइट साड़ी पहनने वाली औरत रास्ता क्रॉस करके गई है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। तो अचानक सामने से वो जाने की वजह से वो जोर से ब्रेक दबाता है और गाड़ी कंडीशन में होती नहीं है, बारिश कीट हो जाता है, टायर अच्छे कंडीशन में होते नहीं है, तो लेफ्ट साइड में जाके गाड़ी वो ठोक देता है डिवाइडर के यहाँ पे, बाजू में लगाए रहता है कि रैंप होते हैं, डिवाइडर होते हैं, वहां पे जाके गाड़ी ठोक देता है। जब गाड़ी वहां पे लग जाती है ठुकी हुई गाड़ी, उन लोग दोनों बोलते हैं अरे बच गए हम लोग, नहीं तो अंदर खाई में चले जाते थे, बच गए। और उसी टाइम पे उनके गाड़ी के ये स्टोरी लास्ट में बैठे हुए हर बच्चे से लेके यहाँ पे आप बहुत ध्यान से सुनिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि ये स्टोरी आपके लाइफ में चेंज ला सकती है, मम्मी डैडी के प्रति अपना जो विश्वास है, उनके प्रति जो हमारा प्यार है उसमें। जब वो गाड़ी ठुक जाने के बाद उन लोग दोनों रुकते, उनके यहाँ पे कांच में एक डोर नॉक होता है, तो उन लोग देखते तो वही व्हाइट साड़ी वाली औरत जिसके हाथ खून से रंगे होते हैं, वो टिक टिक करती है, ऐसा हाथ जोड़ती है कि दरवाजा ओपन कीजिए। उन लोग डर जाते हैं पहले, खून से लथपथ, हाथ में खून, चेहरे पे खून, यहाँ पे खून, और वो बोलती है दरवाजा खोलिए। वो कपल में से जो वाइफ होती है वो हस्बैंड को बोलती है आप मत खोलिए, हम लोग गाड़ी निकाल लीजिए, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन जो हस्बैंड है उसे लगता है कि कुछ एक्सीडेंट हुआ रहेगा, मुझे हेल्प करना चाहिए, वो उसकी बीवी का सुनता नहीं है, दरवाजा ओपन करता है, बार बार बोलती है प्लीज 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 ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, दरवाजा ओपन कीजिए। जो वो बाहर चला आता है वो बोलते हैं मैं आपके हाथ पर जोड़ती हूँ, मुझे हेल्प कीजिए, हमारी गाड़ी का एक एक्सीडेंट आपके जैसे हुआ और मेरी गाड़ी आगे जाके खाई के यहाँ पे रुकी हुई है, और प्लीज आप मेरे साथ में चलिए, वो गाड़ी नीचे गिरने के चक्कर में है, आप मेरे साथ आइए। वो आदमी उसके साथ चला जाता है, उसके गाड़ी के यहाँ से लेफ्ट साइड के लेके आगे तक चला जाता है, उसे सच में दिखाई देता है कि उनकी गाड़ी जो है खाई में ऐसे उल्टी लटकती होती है और पीछे, और औरत बोलती है मेरा बच्चा वो गाड़ी में है, प्लीज आप मुझे हेल्प कीजिए, उसे निकालना है। वो चला जाता है उसके साथ में, देखता है कि सच में अंदर बच्चा है, गाड़ी नीचे गिरने के चक्कर में है, तो वो सोचता है कि मैं क्या करूं, एक पत्थर लेता है, पीछे से कांच तोड़ता है, वो बच्चे को उठा लेता है, बाजू में से दरवाजा ओपन करके निकाल लेता है, और जब बच्चे को उठा लेता रहता है, जब वो बच्चे को लेने के इसमें रहता है, तभी वो देखता है कुछ तो भी ऐसी चीज देखता है, और वो शॉक हो जाता है एक मिनट के, लेकिन वो बच्चों को उठा के बाहर आ जाता है, देन अगेन चलने लगता है, धीरे 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 अपनी गाड़ी की तरफ आता है। एक वही शॉक में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चा हाथ में लेके आ जाता है अपनी गाड़ी में, बैठ जाता है। उसकी बीवी बोलते आप पागल हो, मैं आपको ढूंढ रही हूं, आप कहां चले गए थे, इतनी बारिश हो रही है, आपने हेल्प मांगा किसी ने, आप चले गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, और ये बच्चा किसका है, ये किसी कौन से बच्चे को आप लेके आए हो, और वो औरत कहां है। जब वो बच्चे को लेके आता है, बच्चा अंदर बिठा देता है, वो वैसे स्टीयरिंग पे बैठ जाता है, बोलती क्या हुआ आप कुछ तो बोलो। बोलते ये सच में ये बच्चा गाड़ी में नीचे जाने वाला था, और औरत ने जो हेल्प मांगी, जो मदद मुझे मांगी, अच्छा वो मैंने किया, नहीं तो ये बच्चा गाड़ी में नीचे गिर जाता था। तो पूछती है वो औरत कहाँ है, तब वो बताता है जब मैं ये बच्चे को निकाल रहा था गाड़ी में से, तब मैंने ये देखा कि वो बच्चे के साइड में उसकी मां मरी पड़ी थी, और वही वो औरत थी, वही औरत थी। एक मां